सारा चुनौती हमारे सामने है, ऐसा हम पूरे मजबूती के साथ लगे और जो पहले जमा किए तहसील जमा किए ठीक है, लेकिन फिर ऑन गोइंग लगातार इन कमरी का अभियान चलाते रहे बनाया हो गया। कोई समय सीमा नहीं है, पूरा लगातार बनाइए दोनों को। जब मैं मुख्यमंत्री था गांव गांव झोपड़ी झोपड़ी में घूमता था और भूख लगता था, सड़क के किनारे जो दलितों का गांव होता था वहाँ गाड़ी धोप देते थे, आप पूछते थे वहाँ की महिला से, कई महिला है खाना है खाना पकाई है, हाँ है मकई के रोटी रोटी के सब्जी अपने आप है खाते हैं, इसमें अपना हम ये काम आप सब करिए क्या सब मिल गए होंगे परिश्रम करिए आप होकर के हमारा आदमी है और उनको एक बात है सुने जनरल राज का राज शुरू कर दिया बीजेपी द्वारा, तो जनरल राज का टिकट लगा रहा है आहत है सब, इनको कोई मौका नहीं देना है, सब सस्ता जो किया वो हारा चाहता है लौटेगा नहीं। 24 में भाजपा को हम लोग उखाड़ फेंके जो कमजोर तबका के लोग हैं उनके टोला और महला में जरूर जाइए, देखिए कोई दबा तो नहीं रहा है उसके साथ खड़ा हो गया तो आपके साथ खड़ा जो हमारे शंकर भाई है, अभी देखिएगा कि शंकर के इलाका में अररिया के इलाका में उत्साह आके घूम रहे हैं, जरूर इसके मन में कहा है चाहता है जो कि आप उसमें चला के और हम स्वयं शक्ति को प्राप्त करें। हम लोग सजग हैं, नीतीश कुमार सजग हैं, हम लोग कृपा होते रहते हैं, आप लोगों को भी पूरा ध्यान रखना है इन चीजों के साथ, कभी भी कमजोरी नहीं करना है। मस्जिद पटिया के झंडा फहराना है, हनुमान जी का हनुमान चालीसा मस्जिद के बाहर फहरा है, क्या प्रखंड है क्या बदमाशी इरिटेट करता है जो है और हम लोग फिर अपना काम पूरा करते हैं, मस्जिद पर चढ़ जाता है झंडा फहरा है और उनके पीछे कमलाई गंगा प्रसाद हो और मूल समस्या जो है रूप लाएंगे अच्छी तरह से रुपये लाएंगे और सबके खाता में हम जमा करेंगे, खाता भी खुलवा दिया उसको सभी लोगों को खाता खुलवा दिया, एक पैसा नहीं नहीं नौकरी के मामले में भी आपने देखा होगा कोई नौकरी नहीं कोई इसमें किसी को मौसम नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और फिर हम लोग नीतीश के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार हमसे जरूर ऐसे मसले पर राय लेते रहते हैं, देश में भाजपा को छोड़ के सभी पोलिटिकल पार्टी के दरवाजे खुलकर उन्होंने सब प्रकार
हाथ जोड़ने का काम शुरू किया। एक हो सब लोग इकट्ठा हो, ये सब काम क्या कहा। माननीय सोनिया गांधी जी ने विदेश मंत्री अब आ गई है, हम दिल्ली जा रहे हैं, समय लेके हम और नीतीश कुमार, हाँ राहुल गांधी का यात्रा खत्म हो जाता तो हम लोग मिले बोलेंगे। सफाई जनता जी बड़े अनुशासन के साथ आचिक कार्यालय को चला रहे हैं, इनको पुनः जिम्मेवारी मिली है और काम पूरे करें। एक चीज लिखा है जनता जी ने, जब कहीं सभा होता हूँ पब्लिक में थी मंच पर नहीं जाते हैं, फील्ड में घूमते रहते हैं, फील्ड में घूमते रहते हैं, उनको बुलवाते हैं, खोज के बुलवाते हैं, यार तो भाषण है उत्तर नहीं आपको भाषण, समय बचाने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग बोले। इस बार जो दौरा हो पार्टी का उसमें जगका भाई जाए, हम लोग जाएंगे साथ अपना उदरा व्यक्त करेगा। अच्छा जी, सदस्यों से अनुरोध है, आपको मालूम है कि पार्टी ने मुझे अधिकृत कर दिया है गीता के आधार से नॉमिनेट करने का, भारी जिम्मेवारी दे दिया। अभी वो सोच समझ के राय विमर्श करके नॉमिनेट करेंगे सबके। शरद जी और मैं मंडल कमीशन को लागू करने में भारी योगदान दिया, भारी, और इसको फैलाया, देश के गरीबों को मालूम हो जो मंडल कमीशन वाले लोगों के ऊपर ईटा फिटाया जाता था, गरीबों को मालूम हुआ कि पार्टी ने कुछ किया है उन्होंने के लिए, इसलिए सम्मान है। सब लोग अब सब जगह आरक्षण 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 का रथ लगा रहे हैं, सब आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जगका जी तक बोले आना है, नहीं हम नहीं आए, बहुत उठा रहेगा, ज्यादा देर नहीं बैठा, बाहर निकल के देखा ठंडा हो गया था, ठंडा हवा चल रहा था, जल्दी से गाड़ी लेके तेजस्वी जी को खबर दिया और से मीडिया भी भाजपा का हो गया मीडिया, मोदी का माउस हो गया, एक ही कथा को नौ बार घुमा हुआ है। मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए, सभी लोग सभी लोग के साथ बराबर आवाज देना चाहिए। पुनः कार्यकर्ता आनंद सिंह को बधाई देता हूँ, अगर धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ।